एक्शन। So the best part of Worli Koriwada was the fact that it's right next to my house. So I could travel like in 5 minutes. मैं बचपन वली में गया था एंड मैंने काफ़ी क्लोजली उस विलेज को उस गांव को देखा है। काफ़ी लोग कोऑपरेटिव है वहाँ पे। इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड विलेज सो दे नो एग्जैक्टली व्हेन द शूटिंग इज हैपनिंग। दे आर वेरी हेल्पफुल। द ओनली प्रॉब्लम वॉज नैरो लेंस जहाँ पे आपका जो सामान होता है शूटिंग का वो अंदर जाता नहीं है। The local people there cook some amazing meals that every day we could relish on. लोग आते थे सेट पे, बात करते थे एंड पीसफुली शूट करने को मिला हमको वहाँ पे। जो पिक्चर यहाँ पे शूटिंग हुआ है, हीरो उसका रितेश देशमुख था, उसकी हीरोइन नरगिस फकरी थी। वो रोज हमारे गली से आते जाते थे। तो एक महीना इधर शूटिंग था, नीचे टाइटैनिक बोट थी, घोड़ा गाड़ी पे नदी का तभी का शादी हुआ था वहाँ पे। शादी बारात तो हमारे इधर से ही निकला था। रितेश देशमुख वो तो बच्चों के साथ खेलने का क्रिकेट। रितेश बॉलिंग डालते थे और वो कैच पकड़ते थे। थिएटर में रिलीज होगा तो देखने के लिए जाएंगे। जब हमने लास्ट डे था हमारा शूटिंग का बैंजो का, तो उनको इतना दुख हो गया था कि फैमिली टू फैमिली हमको आके मिल गए थे कि तुम लोग कल से नहीं आए होगे, हमको इतना बुरा लगे। हम लोग उनके एक विलेज का पार्ट बन चुके थे, हम लोग भी विलेजर्स बन चुके थे। इनफैक्ट जितना उन्होंने हमको मिस किया उससे ज़्यादा आई थिंक हम लोग ने उनको मिस किया है। एंड आई एम श्योर कि जब वो लोग बैंजो फिल्म देखेंगे 23 सितंबर को, तो उनको अच्छा लगेगा और उनकी दुआ हमारे साथ है।